आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में WWE ने बैश एट द बर्लिन को हाइप करने का काम किया। इसमें हमें एक नया मैच ऐड होते हुए भी दिखा। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। शो की शुरुआत ही रेंडी ऑर्टन करते हैं। रेंडी ऑर्टन वहाँ के फैंस का स्वागत करते हैं और उसके बाद कहते हैं रेंडी ऑर्टन कि मैं जल्दी 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला हूँ। और गुंथर ने मेरी फैमिली के बारे में बात करके ये मैच को काफ़ी ज़्यादा पर्सनल बना दिया है और अब मैं बैश एट द बर्लिन में गुंथर की मार मार के भूली हालत करने वाला हूँ। और गुंथर ने जो आरकेओ खाया था पिछले हफ्ते उसके बारे में भी रेंडी ऑर्टन ने बात की। तभी जाके गुंथर कहते कि तू अब इसके बाद मुझे आरकेओ नहीं दे पाएगा। और तभी लुडविक काइजर अटैक कर देते रेंडी ऑर्टन के ऊपर, लेकिन रेंडी ऑर्टन ठहरे। रेंडी ऑर्टन वो फाइट बैक करते हैं, गुंथर के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं से गुंथर के साथी लुडविक काइजर लगा देते हैं चौक ब्लॉक और उसके बाद नंबर्स गेम। और उसके बाद रेंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक होता है और हमें स्टैंड टॉल करते हुए दिखा देते हैं लुडविक काइजर और गुंथर। फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है शेमस वर्सेस पीट डन के बीच में, यानी ब्रॉलिंग बूट्स के जो पहले मेंबर थे उनके बीच में हमें ये मैच देखने को मिलता है। मैच जिस तरह चला ये मैच काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग मैच था। दोनों ही सुपरस्टार ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। बुच कह सकते हैं हम, या फिर हम कह सकते पीट डन ने भी ये मैच में काफ़ी अच्छा प्रभावित किया। उन्होंने शेमस को कई वक्त पे कई मौक़ों पे डोमिनेट किया, उनका हाथ भी इंजर्ड करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी रहे। लेकिन अगर सीधा सीधा मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े तो पीट डन ने शेमस का हाथ और रिंग के ऊपर जो प्रोटेक्शन कवर होता है उसमें फंसा दिया। उसके बाद उसके ऊपर किक्स पे किक, पंचेस पे पंचेस लगाने की कोशिश की, लेकिन शेमस ने फ्री होते बराबर उनके ऊपर अटैक करना चालू किया। उन्हें लगाया 10 बिट्स ऑफ बोराम, पर हमें उसके ऊपर भी फाइट बैक देखने को मिलता है मुझे पीट डन की तरफ से और वो लगा देते हैं पावर बॉम्ब। फिर मैच की एंडिंग में हमें देखने को मिलता है एक ब्रोक किक और सीधा सीधा मैच यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है मैक्सिन डुप्रिक वर्सेस कौन। तो मैक्सिन डुप्रिक वर्सेस आईवी नाइल का मैच में मैक्सिन डुप्रिक ने काफ़ी अच्छी रेसलिंग मूव दिखाए, जिस तरह से वो सुप्लेक्स लगाए काफ़ी ज़्यादा देख के अच्छा लगा। लेकिन आईवी नाइल ने जिस तरह से फाइट बैक किया और ये मैच उन्होंने इजी तरह है ना, मैच ख़त्म ही नहीं हुआ। मैच के बीच में ही हमें वाइट सिक्स के एंट्रेंस देखने के लिए मिली और हमें सिस्टर एबिगेल का, या फिर हम कह सकते हैं आउली द विच का कुछ भी नाम है उनका, तो उनका अटैक देखने के लिए मिलता है आईवी नाइल के ऊपर। और एक एक करके बाकी सारे मेंबर्स भी आ जाते हैं वाइट सिक्स का और वो सबसे पहले डायमंड माइंड के ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर उसके बाद अंकल हाउंडी अटैक करते हैं चैड गेबल के ऊपर और उन्हें सिस्टर एबिगेल लगा के वहाँ वो स्टैंड टॉल करते हुए हमें दिखाई देते हैं बिना जिंदगी की बॉडी, यानी बेहोश हुए हुए चैड गेबल के ऊपर ऐसा दिखाया गया। फिर हमें नेक्स्ट देखने के लिए मिलता है CM Punk का सेगमेंट। CM Punk रिंग में आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने फैंस के साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताया, लेकिन ड्रू मैकेंटायर ने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा। और ड्रू मैकेंटायर एक फैन बॉय है CM Punk का। जब मैं 10 साल से गायब था तो CM Punk को चाहते थे ड्रू मैकेंटायर कि वो WWE में वापस है। अब मैं वापस आ गया तो मैं एक स्ट्रैप मैच चाहता हूँ ड्रू मैकेंटायर के साथ। और तभी हमें ड्रू मैकेंटायर की एंट्री देखने के लिए मिलती। CM Punk कहते कि भाई तू बुला मेरा ब्रेसलेट दे दे और ये स्ट्रैप मैं तुझे दे देता हूँ। तो उसके ऊपर ड्रू मैकेंटायर कहते चल मैं क्या पागल हूँ क्या, तुझे ये ब्रेसलेट दे दूँ, मैं रिंग में तुझे देने आऊँगा तो तू मुझे ऐसा मारेगा। और CM Punk के खिलाफ ड्रू मैकेंटायर मैच भी एक्सेप्ट कर लेते हैं बैश एट द बर्लिन में। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है न्यू डे एंड ऑडिसी जोन्स वर्सेज द फाइनल टेस्टमेंट का मैच। ये फ्यूड WWE अभी तक क्यों खींच रहे हैं मुझे समझ भी नहीं आ रहा। ये फ्यूड में मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से कैरियन क्रॉस वो जेवियर वुड्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जेवियर वुड्स वैसा, तू न्यू डे के साथ मत रहे, कॉपी किंगस्टन के साथ मत रहे, मुझे तो साला सीधा सीधा चूतियापना लगता है ये सब में। सीधा सीधा इनकी फ्यूड ख़त्म करो, दोनों ही टीम्स को आगे बढ़ाओ एक दूसरे से, मुझे ऐसा लगता है। अगर सीधा सीधा मैच के एंडिंग की तरफ बात करें तो जेवियर वुड्स खुश नहीं थे ये मैच से, और मेन बात मैच के एंडिंग में ओडिसी जोन्स के पास टैग था, ओडिसी जोन्स ने लगाया अपना फिनिशर और उन्होंने एकार को पिन करते हुए ये मैच में जीत लिया। और उसके बाद न्यू डे सेलिब्रेट करते हुए हमें दिखाई दिए थोड़े से जेवियर वुड्स भी खुश दिखाई दिए और फाइनल टेस्टमेंट के मेंबर हमें रैम के ऊपर से उन्हें देखते हुए भी दिखाई दिए। अब क्या करेंगे WWE फाइनल आगे इन टीम के साथ, ये देखने लायक बात होगी। फिर हमें देखने के लिए मिलता है नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच, ब्रॉन्सन रीड वर्सेज मिस का मैच।
ये मैच मुझको इसलिए मिला क्योंकि ब्रॉन्सन रीड ने आर्ट्रूथ के ऊपर अटैक किया और उसके बाद उन्हें ये मैच मिला, नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच एडम पियर्स ने उन्हें दिया। ये मैच में क्या मैच था भाई, मिज ने कौन से हथियार नहीं यूज किए ब्रॉन्सन रीड के ऊपर, उन्हें कुर्सी पर बैठा के कैंडोस्टिक से मारा, उन्हें डीडीटी दिया कुर्सी के ऊपर, तब भी ब्रॉन्सन रीड किक आउट कर रहे थे ये मैच में, उन्हें बिग बूट से मारा, बाप रे बाप। मुझे ये मैच देख के काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन अगर सीधा सीधा मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े तो ब्रॉन्सन रीड ने मिज को मैच के एंडिंग में सीधा उठा के फेंका टेबल के ऊपर, उनके ऊपर लगाया सुनामी और ये मैच में पिन करके जीत गए। और लेकिन वो मैच के बाद जब वापस सुनामी देने गए तभी हमें रिटर्न देखने के लिए मिलता है एक सुपरस्टार का, या हम कह सकते हैं एक मॉन्स्टर का, वो मॉन्स्टर दूसरा तीसरा कोई नहीं तो आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा ब्रॉन स्ट्रोमन थे, और उन्होंने चैलेंज किया ब्रॉन्सन रीड को कि भाई रिंग मैच, लेकिन वो आए नहीं। फिर हमें मैच देखने को मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस डेमियन प्रिस्ट का, लेकिन ये मैच कभी शुरू हुआ ही नहीं क्योंकि जजमेंट डे के मेंबर्स ने आके डेमियन प्रिस्ट के ऊपर अटैक कर दिया और उन्होंने काफ़ी अच्छी फाइट बैक करने की कोशिश की, लेकिन जजमेंट डे के मेंबर्स के आगे डेमियन प्रिस्ट ज़्यादा देर टिक नहीं पाए, तो मदद करने के लिए दिया रिप्ली वे और उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को टेबल के ऊपर अपना फिनिशर देने की कोशिश की रिपटाइड, लेकिन उससे बचाने के लिए उन्हें वो थी कौन थी तो उनकी आइटम कौन तो ल्यूक मॉर्गन ने आकर रिया रिप्ली के ऊपर चेयर से अटैक किया, और फिर एक बार जब चेयर खेल में आ गए तो कोई कुछ नहीं कर पाया, ना डेमियन प्रिस्ट ना रिया रिप्ली, दोनों के ऊपर जजमेंट डे का काफ़ी ज़्यादा बुरा ब्रूटल अटैक देखने के मिला। रिया रिप्ली को टेबल के ऊपर पटका गया, फिन बैलर ने कूद दे एक राज लगाया डेमियन प्रिस्ट के ऊपर, और उसके बाद रिया रिप्ली को रिंग में ले जाके ल्यू मॉर्गन ने अपना फिनिशर ओबेलियन भी लगाया। बताओ फॉर्मल मेंबर के साथ कोई इतना बुरी तरह कैसे पेशा रखता है, और डोमिनिक मिस्टीरियो ने डेमियन प्रिस्ट के ऊपर फ्रॉग स्प्लैश भी लगाया टॉप रोप के ऊपर से। अब इनके फ्यूड किस दिशा में जाएगी ये देखने लायक बात होगी, क्योंकि WWE ने फ्यूड काफ़ी ज़्यादा हीटअप कर दिया है और बैश एट द बर्लिन में हमें टैग टीम मैच तो दिखने ही वाला है, डेमियन प्रिंस और रिया रिप्ली वर्सेज डोमिनिक मिस्टीरियो एंड ल्यू मॉर्गन का मैच। तो ठीक है, फिर आता है वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच, अनहोली यूनियन वर्सेज डैमेज कंट्रोल वर्सेज शेना बेज़लर एंड जोई स्टार्क के बीच में। तो शेना बेज़लर और काइरी सेन मैच की शुरुआत करते हैं। मुझे ये मैच देख के ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि जिस तरह से मैं काइरी सेन और इवो स्काई को बुक होते हुए देखना चाहूँ WWE उस तरह बुक नहीं कर रही, और जिस तरह से शेना बेज़लर और को बुक करना चाहिए उस तरह भी उन्हें बुक नहीं कर रही। इन चारों के चारों सुपरस्टार ने NXT में किस तरह का धमाल मचाया था शायद ये WWE भूल गई है। अगर चारों सुपरस्टार को अच्छा या स्ट्रॉन्ग बुक किया जाए तो ये चारों के चारों सुपरस्टार मानता रखती है, हिम्मत रखती है अकेले के दम पे वुमेंस डिवीज़न को एलिवेट करने का, वुमेंस डिवीज़न को वो ऊंचाई पे ले जाने का जिस वक्त अभी मेंस डिवीज़न राज कर रहे हैं, पर वैसे WWE ने करना चाहिए। मुझे जब से आस्का की स्ट्रिप टूटी है WWE ने आस्का का भी कचरा कर दिया। अगर सीधा सीधा मैच की एंडिंग की तरफ बढ़े तो शेना बेज़लर लगाते अपना बैराकुडा क्लच काइरी सेन के ऊपर, तो उनसे बचाने के लिए अनहोनी यूलियन की मेंबर आ जाती है आयला डॉयल, उन्होंने लगाती है बैक स्टेज, और दूसरी मेंबर लगाती है स्वांग टानबॉम जी शेना बेज़लर के ऊपर, और मैच में पिन करके जीत जाते हैं, अपने टाइटल रिटेन कर लेती है। फिर शो का मेन इवेंट आता है लुडविक काइजर वर्सेस रेंडी ऑर्टन का मैच, और ये रेंडी ऑर्टन वर्सेस लुडविक काइजर का मैच इसलिए तय हुआ क्योंकि पहले ही शो पे आपने देखा शुरुआत में कि रेंडी ऑर्टन और गुंथर के ऊपर अटैक कर देते हैं, रेंडी ऑर्टन के ऊपर गुंथर और लुडविक काइजर ने अटैक कर दिया। उस मैच की शुरुआत में लुडविक काइजर ने थोड़ा डोमिनेट किया, लेकिन रेंडी ऑर्टन वो कहाँ ज़्यादा देर डोमिनेट हो पाएंगे किसी से, जैसे एक बार उन्होंने मैच में वापसी की वैसा क्या मारा है इसे किसे जल्दी बताओ तो लुडविक काइजर को, उन्होंने उनके ऊपर स्कूप डीडीटी जो अब उनके रस्सियों के बीच में फंसा के डीडीटी लगाते हैं, उसके बाद पावर स्लैम, उसके बाद फिर पड़ा जल्दी बताओ तुम कमेंट करके बताओ RKO, उसके बाद मैच जीत जाते। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है ब्रॉल रेंडी ऑर्टन और गुंथर के बीच में, ब्रॉल करते करते ही शो ऑफ एयर चला जाता है, लेकिन बोनस ट्रिक कि गुंथर को पड़ जाता है RKO, ये शो ऑफ एयर होने के बाद रहता है, आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो वैसे ही हम भी वीडियो ख़त्म करते हैं, वीडियो को लाइक करो।